शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू प्राकृतिक विविधताओं से भरपूर लगभग 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ एक विश्वविद्यालय है। इसके एक तरफ त्रिकुटा की पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान देविका नदी की सहायिका उत्तर वाहिनी बहती है। संसद के 2009 के अधिनियमों के अनुसार स्थापित ये केंद्र विश्वविद्यालय आज अपनी उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। अपने कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा ये विद्यालय अपनी विविधता के अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व प्रतिष्ठित संस्था इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रायोजित सतीश धवन फॉर स्पेस साइंसेस के नाम से जाना जाएगा। इस रिसर्च सेंटर का नामकरण इसरो के फॉर्मर चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर हुआ है, जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। यही नहीं, सतीश धवन इसी मिट्टी के लाल थे। वह एक रॉकेट वैज्ञानिक थे और प्रख्यात शोधकर्ताओं में से एक थे। इसरो द्वारा प्रायोजित ये सेंटर उत्तर भारत का पहला एडवांस रिसर्च सेंटर है और जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 1150 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में तैयार हुआ है। इसरो द्वारा स्थापित हुआ ये केंद्र अक्टूबर 2018 को प्रस्तावित हुआ था। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के लिए। आज हम सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि हमारे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर हमारे पूर्व इसरो के चेयरमैन राधाकृष्ण जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनने भी इस सेंटर को स्थापित करने में काफ़ी सहयोग दिया है। हम इसरो को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूर्ण रूप से इसको वित्त पोषित किया है। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। ये सेंटर डेवलप होने के बाद हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप बनाएगा। यहाँ पर किया जाने वाला शोध अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे छात्र एवं छात्राएँ इस जो हमने एक व्यवस्था स्थापित की है इसका लाभ लेंगे व अंतरिक्ष विज्ञान में अपने आप को सिद्ध करके एक नया स्थान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर शोध के लिए कुछ प्रमुख विषयों पर काम किया जाएगा, जैसे कि हाई टेम्परेचर FIR एंड थर्मोमेट्री, सेंसर एंड डिटेक्टर, ग्लेशियोलॉजी, सेस्मिक हजार्ड्स एंड ल्यूनर टेक्नोलॉजी, GIS रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस ऑफ बायो एरोसोल्स ऑन क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम इन नियर बाय रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन मेजर रिसर्च डोमेन्स को पूर्ण रूप से रिसर्च करने के लिए कई सारी सुविधाएं और मॉडर्न लेबोरेटरीज प्रदान की गई हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग एंड GIS लेबोरेटरी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स लैब, मटीरियल साइंसेज लैब फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। ये सभी लेबोरेटरीज लेटेस्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यानी नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों के साथ बनाई गई हैं। इसके अलावा इस रिसर्च सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी तैयार किया गया है, जहां देश विदेश के वैज्ञानिक स्पेस स्टडीज से जुड़ी रिसर्च और कई सारी जानकारी साझा कर पाएंगे।